हेलो दोस्तों, digitalmarketing.com के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या अंतर है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक विषय है। आप गूगल पे जाके अगर इनबाउंड और आउटबाउंड में अंतर सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा वही लिंक है। ये इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में अंतर, ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम digitalmarketing.com है। और तो इसके अंतर को समझने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग के अंतर को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इनबाउंड और आउटबाउंड शब्द का क्या मतलब है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह की मार्केटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बिजनेस को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग दोनों का यूज करना होता है। लेकिन मार्केटिंग क्या है कि हम अपने बिजनेस की बात को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाएं, या जो लोग हमारे टारगेट में आते हैं या जो हमारे सामान को खरीदने की जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हम ऐसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम या तो इनबाउंड तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आउटबाउंड तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे देखिए दो इमेज बनाई गई हैं। एक इमेज में एक लाउड स्पीकर बनाया गया है और दूसरी इमेज में एक मैग्नेट बनाया गया है। ये लाउड स्पीकर आउटबाउंड को रिप्रेजेंट करता है और ये मैग्नेट इनबाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले हम लोग लाउड स्पीकर का उदाहरण लेके समझते हैं कि ये लाउड स्पीकर आउटबाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी आप देखिए कि कई लोग अपने कैंपेन्स को चलाने के लिए, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कई बार लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब कभी चुनाव आ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि चुनाव के समय जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं वो लाउड स्पीकर्स की मदद से अपने एरिया में, जिस एरिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस एरिया में लाउड स्पीकर की मदद से अपना प्रचार करते हैं। तो एक और उदाहरण लाउड स्पीकर मार्केटिंग का ये हो सकता है कि जब सब्जी वाला सब्जी बेचने निकलता है, वो भी एक तरह से प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जब सब्जी वाला सब्जी बेचने निकलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है और सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाता है। आप अपना जो भी काम कर रहे होते हैं आप उस काम में इंटरप्ट हो जाते हैं, और अगर कहीं आपको सब्जी की जरूरत है तो आप जो है जाके उस सब्जी वाले से सब्जी खरीद लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे हॉकर्स, बहुत सारी इस तरह की मार्केटिंग और भी होती है जहां पे कस्टमर्स को इंटरप्ट किया जाता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन को देखते समय सपोज कीजिए हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, जो एक एज अ क्लाइंट मेरा जो उद्देश्य है वो बस एक क्रिकेट मैच देखना है। या अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हम चाहते हैं बस वो मूवी आती रहे, मगर उस मूवी के बीच में या क्रिकेट मैच के बीच में जब भी कोई ओवर खत्म होता है या जब भी कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो उस समय जो है विज्ञापन आता है। उस विज्ञापन में कई बार ऐसी जानकारी होती है जिसको देख के हमें इंटरेस्ट उसमें पैदा होता है और हम उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और फिर हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट को सर्च करें और उसको हो सकता है खरीद लें। तो यानी कि अगर ऐसा हुआ कि आप टीवी में टीवी देख रहे थे और उस समय आपने कोई विज्ञापन देखा, उस विज्ञापन को देखते समय आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस नजर आई, आपको लगा आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए और आपने उसको खरीद लिया, उनकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पे दी थी। इसी तरह से YouTube की मार्केटिंग है। YouTube में भी आप देखते हैं, YouTube में एक्चुअली दोनों तरह की मार्केटिंग है। पहले हम YouTube की इस तरह की मार्केटिंग की बात करते हैं। YouTube में जब कोई आप वीडियो देख रहे होते हैं तो YouTube में वीडियो देखते वक्त आप चाहते हैं कि बस वो वीडियो चलता रहे, जो भी जानकारी आप लेने आए हैं उस वीडियो के माध्यम से आप वो जानकारी लें। अगर आप मनोरंजन के माध्यम के, अगर आप मनोरंजन के लक्ष्य से आए हैं या अगर आप
कोई गाना सुनना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं, मगर जो आपको विज्ञापन दिखाया जाता है वो अचानक से आता है और आपको कई बार वो विज्ञापन इंटरेस्टिंग लगता है, यूजफुल लगता है और रिलेवेंट भी लगता है और आप उस विज्ञापन में दिखाया गया प्रोडक्ट या सर्विस को आप खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप वहां पे क्लिक करते हैं, आप उस सर्विस तक पहुंच जाते हैं और कई बार आप परचेस कर लेते हैं। इस तरह की मार्केटिंग को आउटबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है। यहाँ पे अंतर क्या है कि इंटरप्ट मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, बाधा डालना। इंटरप्ट का मतलब ये बाधा डालना या जो काम हम कर रहे थे उसमें हमें रोकना टोकना, इस टाइप की कोई बात, मगर ये नेगेटिव नहीं है कई, क्योंकि इस तरह की मार्केटिंग सबसे ज्यादा की जाती है और बहुत सालों से इस तरह की मार्केटिंग की जा रही है जहाँ पे लोगों को इंटरप्ट किया जाता है, लोगों को जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको इंटरप्ट करके विज्ञापन दिखाया जाता है और फिर जब वो विज्ञापन देख लेते हैं फिर वो आगे बढ़ते हैं, मगर ये विज्ञापन देखते देखते कई बार हमें उन विज्ञापनों में इंटरेस्ट आता है, तभी हमें पता लगता है कि इस टाइप की कोई चीज मार्केट में है। जैसे जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है, जब भी कोई नई बाइक लॉन्च होती है, कुछ भी नया लॉन्च होता है तो उसके कई बार लॉन्च होने से पहले ही उसके एड आना शुरू हो जाते हैं ताकि लोग उसे प्री बुक कर सके। इसी तरह से मूवी है, जब कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उस मूवी के रिलीज होने से पहले उसके बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। आप देखने कोई और मूवी गए होते हैं थिएटर में, मगर उस मूवी के बीच में या मूवी के पहले या इंटरवल के समय आपको और मूवीज के भी ट्रेलर दिखाए जाते हैं ताकि आपको वो भी मूवी इंटरेस्टिंग लगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ये आउटबाउंड के उदाहरण हैं सारे, जहाँ पे इंटरप्ट मार्केटिंग है, जहाँ लाउड स्पीकर या हथौड़े जैसी चीज से हम थोक थोक के बताने के काम को कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अगर आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आउटबाउंड मार्केटिंग का एक उदाहरण जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे आने वाले जो वीडियो के ऐड हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है। अब ये यूट्यूब के वीडियो के ऐड कहाँ से आते हैं, तो इनका जो सोर्स है वो गूगल एड्स है। पहले इसे गूगल एडवर्ड्स कहा जाता था, अब उन्होंने इसका नाम गूगल एड्स कर दिया है। तो यूट्यूब के जो एड्स हैं वो गूगल एड्स हैं। उसी तरह से फेसबुक के भी एड्स हैं, ये भी आपके आउटबाउंड मार्केटिंग में आएंगे, क्योंकि जब भी हम फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, मोस्ट ऑफ द जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहां पे जाने का आपका उद्देश्य है कि आप हो सकते हैं देखना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स ने क्या शेयर किया हुआ है, हम उन चीजों को लाइक करें। कई बार हम लोग इनमें भी सर्च होता है और हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, मगर मोस्टली यही होता है कि हम कुछ वीडियो देख रहे होते हैं और अचानक से बीच में एक वीडियो ऐड आ जाता है, फिर जब हम ऐड देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार वीडियो के बीच में आता है कि ऐड पहले आएगा और जब तब तक आप ऐड नहीं देख लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई गेम्स में ऐसा होता है, कई आप गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर, गेम्स खेलते खेलते बीच में सपोज कीजिए आप क्रिकेट गेम खेल रहे हैं, आप आउट हो गए, अब वो कहते हैं कि अगर आप दोबारा खेलना चाहते हैं तो ये ऐड आपको देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं, तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे आप इंटरप्ट हो रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसमें आपको एक इंटरप्शन आ रहा है और इस तरह के ऐड आपके इस तरह के जो मार्केटिंग की टेक्निक है उसको हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। तो आउटबाउंड मार्केटिंग हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी है और आउटबाउंड मार्केटिंग हमारे जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है उसमें भी है। आप अगर हमारे और वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कि ये सब चीज़ें आपको हमारे वीडियोज़ में सारी जानकारी है। हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं, पूरा हिंदी में है और आप जो है उसको देख के अपने बिजनेस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं।
अब हम लोग आ जाते हैं इनबाउंड मार्केटिंग के ऊपर। तो इनबाउंड मार्केटिंग में देखिए, आपको यहाँ पे ये एक मैग्नेट दिखा के मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, और फिर मैं बोल रहा हूँ हमारी वेबसाइट है, आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं digitalmarketing.com, और आप गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप जस्ट हिंदी में टाइप कीजिए डिजिटल मार्केटिंग और .com आप इंग्लिश में लिखिए और आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हमने लिखे हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको वो सारे आर्टिकल मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे भी आपको ये पूरा आर्टिकल मिल जाएगा कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको, आपकी समझ में भी आ जाएगा, और इसके बाद आप एक बार चीजों के शाब्दिक अर्थ को भी समझ लेंगे, और जब आप पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे एक मैग्नेट है या चुंबक है, तो चुंबक का काम होता है अट्रैक्ट करना, और यही इनबाउंड मार्केटिंग का काम भी है। यानी कि हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से लिखें कि लोग उससे आकर्षित हों, लोग उससे जो है उससे अट्रैक्ट हों और हमारी तरफ आए। ये इनबाउंड मार्केटिंग का मैं कहूँगा सबसे बेसिक मतलब हो सकता है, तभी इसको हम लोग इनबाउंड हमारी तरफ जब कस्टमर हमारी तरफ आए, आउटबाउंड जब हम कस्टमर तक अपनी बात लेके जाएं, और इनबाउंड जब कस्टमर हम तक जो है आए। अब इनबाउंड मार्केटिंग का एक बहुत बेसिक सा उदाहरण है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, जैसे मैंने गूगल में जाके ये सर्च किया कि इनबाउंड और आउटबाउंड में अंतर, मैंने सिर्फ ये क्वेरी लिखी। अब देखिए, गूगल ने बहुत सारे रिजल्ट दिखाए, जो पहला रिजल्ट करीब 63,000 रिजल्ट दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 63,000 रिजल्ट उसने दिखाए हैं 0.46 सेकंड में वो बता रहा है। तो और ये सब सिर्फ अगर हिंदी रिजल्ट है, क्योंकि हमारी जो क्वेरी है उसका जो फॉर्मेट है वो हिंदी में है। तो अब देखिए, इस पे मैं जाऊंगा तो और तरह के भी क्वेरी आ रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड क्वेरी, इन सबको हम कीवर्ड कहते हैं, और जब कीवर्ड थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसे की फ्रेज बोल सकते हैं, की फ्रेज या की सेंटेंस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या इसको आप सिंपल सर्च क्वेरी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या अंतर, ये हिंदी फॉन्ट में मैंने लिखा हुआ है, और फिर भी इसने इसको समझ लिया। अब क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वो ज्यादातर पहले लिंक को ही ज्यादातर क्लिक करते हैं, किसी भी क्वेरी पे अगर पहला लिंक आ रहा होता है तो उसको वो ज्यादा क्लिक करते हैं। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार यूजर देखिए, जब भी कोई सर्च रिजल्ट आता है तो उसमें एक तो हमें URL ही दिखता है, जैसे यहाँ दिख रहा है digitalmarketing.com, फिर उसके पेज का नाम दिख रहा है, दूसरा हमें टाइटल नजर आता है, फिर एक मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन ज्यादातर 160 कैरेक्टर्स का होता है, कई बार ये 300 कैरेक्टर का भी होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार इन मेटा डिस्क्रिप्शंस को देख के या उसके रिजल्ट कैसा नजर आ रहा है उस चीज को देख के हम उसको क्लिक करते हैं। इसी तरह से YouTube में भी है, जब आप YouTube में कभी कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने पे आपको बहुत सारे वीडियोस नजर आते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको दिखते हैं वहां पे, मगर उन वीडियो के टाइटल, उन वीडियो में कैसी थंबनेल इस्तेमाल की, देखिए थंबनेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वीडियो में, तो कैसी थंबनेल इस्तेमाल की है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, और वीडियो में जैसा टाइटल लिखा है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, और कई बार वीडियो के व्यू देख के कि उसको और कितने लोगों ने व्यू किया है आप देखते हैं। दूसरी चीज, अगर जैसे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है या आपको कोई सर्विस अवेल करनी है तो उस समय भी आप गूगल पे सर्च करते हैं और वहां पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विस नजर आती है, तो पर आप देखते हैं कई बार कि किस बिजनेस को ज्यादा रेटिंग मिली है और ऐसी बहुत सारी जानकारी। तो जो बिजनेस हमें जितना ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है हम ज्यादातर उसी बिजनेस पे जाके सामान को खरीदते हैं। तो इंटरनेट की भाषा में अगर हम बात करें और डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में बात करें तो SEO और SEM, SEM यानी कि गूगल एड्स, गूगल एड्स होता है, बिंग एड्स होता है, इस टाइप के एड्स होते हैं, इवन यूट्यूब के जो आपके सर्च एड हैं, यूट्यूब में भी आपके सर्च एड होते हैं,
तो कोई जरूरी नहीं है कि आप YouTube में सिर्फ वीडियो ऐड पे ही ध्यान दें, YouTube में सर्च ऐड भी होता है। कई बार जब आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में भी टॉप में एक ऐड नजर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वो हम तक जबरदस्ती अपनी इंफॉर्मेशन लेके नहीं आ रहा है। जब हमने कोई कीवर्ड डाला, जब जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला कि इनबाउंड और आउटबाउंड में क्या अंतर है, तो वो हमें वही रिलीवेंट बात ही बता रहे हैं कि भाई इनबाउंड और आउटबाउंड में क्या अंतर है और इनके बीच में क्या समानता है, जो भी चीज है। और फिर उन रिजल्ट्स को हम उनमें से कोई चीज क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान चाहिए और हम मार्केट में गए और मार्केट में हमने देखा बहुत सारी दुकानें हैं। अब एक दुकान बहुत साफ सुथरी है और बहुत अच्छी है, तो वो दुकान के बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे ना, वो दुकान हम तक पहले कभी आई। और एक दुकान और है वो उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है। तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग हमेशा उस पे जाते हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव, साफ सुथरा, और बहुत सारी चीजें भी फैक्टर है, जैसे कौन सस्ता दे रहा है, इसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदें, जब हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना ही खरीदना है और हम मार्केट में निकले हैं उस प्रोडक्ट को ढूंढने। देखिए ये भी एक मार्केट है, गूगल सर्च भी एक तरह की मार्केट है जहां पे जाके आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को ढूंढते हैं। इसी तरह फ्लिपकार्ट सर्च है, अमेजॉन सर्च है, हर वेबसाइट के अपने इंटरनल सर्च इंजन भी होते हैं। तो जब आप उसमें सर्च करते हैं तो कई बार उनमें भी जो टॉप रिजल्ट नजर आते हैं, उस फिर उसमें आप रिव्यूज देखते हैं, लोगों ने क्या कहा है उनके बारे में, ये सब जानकारी देखते हैं, तब आप जाके कहीं डिसाइड करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें उठाना है या नहीं लेना है या नहीं लेना है या इसको विश लिस्ट में डालना है या जो भी करना है। तो यानी आप समझ गए कि आकर्षित होना, यानी कि जब यूजर खुद किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के प्रति आकर्षित होता है और वो खुद उसको लेने जाता है, तो ये इनबाउंड मार्केटिंग का एक तरीका है। इसके लिए हमें यह करना है कि हमें अपनी जानकारी को अच्छे से, अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, हमें जो है अच्छे इमेजेस का इस्तेमाल करना है, मीनिंगफुल इमेजेस का इस्तेमाल करना है, हम इन्फोग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, हम अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, हम अपने जानकारी में अच्छे हेडिंग्स का यूज करें, अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करें, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो मुझे लगता है मैंने आपको जो है इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग के बीच में अंतर समझा दिया। आप जो है इस वेबसाइट, इस लिंक पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा आप तक। और जो है अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमें। और अगर आपको ये जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको अगर पसंद आई ये जानकारी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट भी हमें दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग की बात हो, चाहे गेम डेवलपमेंट की बात हो, या डेटा एनालिसिस की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, तो हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। और अगर आप और आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप digitalmarketing.com पे जाके उन आर्टिकल्स को हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आप वही आर्टिकल्स इंग्लिश में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप slidescope.com पे जाके उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी का दिन सुखद रहे।